आप लोग आजकल एक कहावत बड़ी चर्चा में सुनते होंगे कि अपना टाइम आएगा। मुझे लगता है कि स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को आप लोग देख रहे हैं ये भी यही सोचता रहता होगा कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति ने एक पार्टी का गठन किया हुआ था। आप देखिए, उस पार्टी के लिए इस व्यक्ति ने रात दिन संघर्ष किया हुआ था, उसे अच्छी ऊंचाइयां दी हुई थी। लेकिन आप देखिए, जब इसका टाइम आया उस समय इन्हें मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया गया। जी हाँ, मैं लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज जो देश पर सत्ता पर काबिज है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसका पिता माना जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को। आपको बता दूं कि आज जो ऊंचाइयां छू रही है बीजेपी, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के जो पित्त पुरुष कहें या पिता कहें, जनक कहें, वो आजकल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग एक क्या करेंगे, एक इनके बारे में सामान्य जानकारी आपको दे देता हूं। और मुझे लगता है कि इसके इस तरह के कम ही नेता आपके देश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह के राजनेताओं के बारे में मुझे लगता है कि आपको जानना भी चाहिए। क्या करना चाहिए, इनके बारे में जानना भी चाहिए। तो स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, यह आपके लाल कृष्ण आडवाणी साहब, ठीक है। तो इनका नाम आप सभी को मालूम है कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब इनका नाम है, और उपनाम के नाम से इन्हें काफी चर्चित हैं, प्रसिद्ध हैं। इनका एक शॉर्ट नाम ले लिया जाता है आडवाणी साहब, ठीक है। और जन्म तारीख की बात करें तो 8 नवंबर 1927 को इनका जन्म होता है। और आप सभी जानते हैं कि जब इस देश में इनका जन्म होता है उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। और इनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो स्वर्गीय किशन चंद आडवाणी इसके इनके पिता का नाम, और माता की बात करें तो ज्ञानी देवी इनकी माता का नाम, और पत्नी की बात करें तो स्वर्गीय कमला देवी इनकी पत्नी का नाम। इनके दो बच्चे भी हैं, एक तो एक का है जयंत नाम और बेटी का नाम है प्रतिभा। और आपको बता दूं कि राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप देखते हैं कि गांधी परिवार को आप देख लीजिए, कई राजनीतिक परिवारों को आप देख लीजिएगा। आप लोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यानी कि मुलायम सिंह परिवार को देख लीजिएगा। आजकल मायावती भी आप देख रहे हैं कि अपने भतीजे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। या बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए आप लोग। लेकिन इनके परिवार में अलग बात है, इन्होंने अपने पुत्र या पुत्री को राजनीति के विरासत नहीं दिया हुआ है, वरना आप सोचिए कि बीजेपी में उनका भी कद अच्छा ऊंचा होता। इनके अगर हम लोग स्कूल की बात करें, किसकी स्कूल की बात करें, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से परीक्षा यानी कि शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड एंड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एक कानून की पढ़ाई करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि लॉयर भी है, वकील भी है, ठीक है। इनके अगर हम लोग व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पत्रकार थे और राजनेता भी रह चुके हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट भी रह चुके हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात अगर हम बात करें तो राजनीतिक घटनाक्रम की आती है। अगर आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, जानने की दिलचस्पी आप रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति में इनकी क्या भूमिका रही है, किस तरह से इन्होंने राजनीति में सफलता पाई हुई है, इस वजह से आप लोग पढ़ने की दिलचस्पी रख रहे हैं। तो आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं इस बात को, तो 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, भारत हमारा आज़ाद होता है। ये भली आज़ादी अधूरी कह सकते हैं आप लोग या पूरी कह सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि उस समय हम लोग गुलामी से तो आज़ादी पा चुके थे, लेकिन बाकी जो गुलामी हमारे दिमाग में भरी पड़ी हुई थी उससे आज भी हम लोग अछूते हैं। तो 1947 में लाल कृष्ण आडवाणी को कराची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सचिव चुना गया था। और एक बात और बता देता हूँ, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद ही भारत में आ चुके थे। वर्ष 1951 में वे भारतीय जनसंघ के सदस्य बनते हैं, और भारतीय जनसंघ की स्थापना श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी काफी मानती है, उनकी उनकी विचारधारा पर चलने की बात करती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1966 से लेकर 67 तक वे भारतीय जनसंघ के नेता बने रहे। फिर आप देखेंगे 1970 से 1976 तक लाल कृष्ण आडवाणी
दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य बने, क्या रहे? सदस्य रहे। और आप सभी को मालूम होगा कि जो राज्यसभा सदस्य होते हैं इनका चुनाव आपकी विधानसभा सदस्य ही करते हैं, आपकी विधायक करते हैं, और इनका कार्यकाल 6 साल का रहता है, ठीक है। वही आप अगर लोकसभा सदस्य की बात करें तो लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, ठीक है। अगर आप भी 18 साल के हो चुके होंगे और आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा तो आप भी लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव करने जाते होंगे। 1973 में उन्हें भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। फिर आप देखेंगे उसके पश्चात 1976 से 1982 तक लगातार भी गुजरात से राज्यसभा सदस्य बनते रहे हैं। और 1970 में भारतीय जनसंघ से हटाए जाने के बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, कब? 1977 में। और ये आप देखिए, याद रखिए, 1977 वही साल है जब राष्ट्रीय आपातकाल 1977 में हटाया गया था, 1975 से लेकर 77 तक चला था। फिर आप देखेंगे 1977 में जनता पार्टी ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया और नए प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई नियुक्त किए गए थे। और आप सभी को बता लूं कि देखिए, देश की जनता में एक रोष था, कांग्रेस के प्रति एक तरह से आप देखिए कि गुस्सा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो 2 साल का राष्ट्रीय आपातकाल था इसमें आप देखिए कांग्रेस ने बड़ा प्रताड़ना की गई थी, बड़े बड़े राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल का क्या परिणाम रहता है आप सभी भलीभांति जानते हैं, और इसी का कारण रहा है कि आप देखेंगे 1977 में जो आपकी लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस तो बुरी तरह से हार ही जाती है, साथ में आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी भी अपनी सीट नहीं बचा पाती है, वो भी लोकसभा सदस्य का चुनाव हार जाती है। फिर आप देखेंगे जनवरी 1980 से लेकर 1980 तक, अप्रैल 1980 तक लाल कृष्ण आडवाणी राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने रहे, किसमें? राज्यसभा में। 1980 के दौरान इन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था और इस पद पर आप देखेंगे 1986 तक वो बने रहते हैं। और आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी आप देखते हैं ना, बीजेपी, इसकी स्थापना भी 1980 में हुई थी। फिर आप देखेंगे 1982 में वे पुनः तीसरी बार राज्यसभा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। फिर आप देखेंगे 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं और इस पद पर आप देखेंगे 1991 तक वो बने रहते हैं, कब तक? 1991 तक। फिर आप देखेंगे 1998 में वे राज्यसभा के लिए चौथी बार सदस्य चुने जाते हैं, कितनी? 4 टाइम, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी 9वीं लोकसभा में सांसद चुने गए, जो 1989 में आपने देखा होगा चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा के सदस्य भी बनते हैं, लोकसभा सदस्य में आप देखेंगे डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना होगा। 1989 से लेकर 1991 तक लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा में संसदीय दल के नेता बने रहते हैं। और वर्ष 1990 से लेकर 1991 तक लाल कृष्ण आडवाणी भर्ती निर्धारण नियम 1955 के तहत लोकसभा सचिवालय की पुनर्वीक्षा समिति के चेयरमैन अध्यक्ष बनाए गए। फिर 1991 में आप देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी 10वीं लोकसभा के आम चुनाव में दूसरी बार सांसद चुने जाते हैं। और फिर आप देखेंगे 1991 से लेकर 1993 तक लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनते हैं। 1993 से 1998 तक लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं। 1998 में आप देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी 12वीं लोकसभा के आम चुनाव में तीसरी बार चुनाव जीतते हैं, यानी कि तीसरी बार आप देखेंगे लोकसभा सदस्य बन जाते हैं। फिर आप देखेंगे 1998 से लेकर 99 तक लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे 1999 में लाल कृष्ण आडवाणी 13वीं लोकसभा के आम लोकसभा चुनाव में चौथी बार लोकसभा सदस्य बनते हैं। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी भारत के गृह मंत्री बनते हैं, होम मिनिस्टर बने रहते हैं। फिर आप देखेंगे 29 जून 2002 से लेकर मई 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री भी बने रहते हैं। और आपको बता दूं कि उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में नहीं दिया गया है। ये तो क्या होता है कि आप देखिए, दो बड़े कद्दावर नेता हैं किसी पार्टी में, तो एक को प्रधानमंत्री बना दीजिए, दूसरे को उप प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री पहली बार बनाया गया था, होम मिनिस्टर भी पहले वो हमारे थे। फिर आप देखेंगे 1 जुलाई 2002 से
25 अगस्त 2002 तक लाल कृष्ण आडवाणी व्यक्तिक पेंशन और लोक शिकायत निवारण मामलों में के संघीय कैबिनेट मंत्री भी बने रहे। फिर आप देखेंगे 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी 14वीं लोकसभा चुनाव में 5वीं बार लोकसभा चुने सदस्य बनते हैं और लोकसभा में आप देखेंगे विपक्ष के नेता बने रहते हैं। फिर आप देखेंगे 5 अगस्त 2006 से मई 2009 तक लाल कृष्ण आडवाणी गृह मामलों की समिति के सदस्य बने रहते हैं। फिर आप देखेंगे वर्ष 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी 15वीं लोकसभा 6वीं बार सांसद के रूप में चुने जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं काफी सफल राजनेता बने हुए हैं अभी भी। फिर आप देखेंगे 29 मई 2009 से लेकर दिसंबर 2009 तक लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनते हैं और 4 अगस्त 2009 को लाल कृष्ण आडवाणी को पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स में लगाए जाने वाले प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों की समिति का सदस्य बनाया गया। फिर आप देखेंगे 31 अगस्त 2009 को लाल कृष्ण आडवाणी को गृह मंत्रालय की समिति का सदस्य भी बनाया जाता है। फिर आप देखेंगे 15 दिसंबर 2009 को लाल कृष्ण आडवाणी को पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स के विकास और उसके सभी चीजों की देखरेख और संरक्षण पर बनी संयुक्त पार्लियामेंट्री समिति का सदस्य भी बनाया गया था। उसके बाद आप देखेंगे जून 2013 आता है, यानी कि आप देखेंगे 2014 की पहले की बात कर रहे हैं और 2014 में आप सभी जानते हैं कि सब कुछ बदल जाता है और माना जाता था देखिए कि मौका उन्हें मिलने वाला था प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन अब प्रधानमंत्री के रूप में कौन आ जाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब का नाम प्रधानमंत्री की रेस में आ जाता है। तो जून 2013 को लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने द्वारा ग्रहण किए गए सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपनी बातों को यह कहते हुए रखा कि भारतीय जनता पार्टी वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई जिसकी स्थापना नानाजी देशमुख, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। क्योंकि आपको बता दूं कि 2013 में ये बात साफ होने लगी थी कि प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम आने लगा था और इसीलिए आप देखेंगे इनकी नाराजगी स्वाभाविक थी। इतने लंबे इंतजार के बाद आप सोचिए किसी का नाम आता है और उसे ही बीच में कोई दूसरा एंट्री ले लेता है तो एक बड़ा दुख का आप समझ सकते हैं क्या रहा होगा। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता थे राजनाथ सिंह, इन्होंने हस्तक्षेप किया और इन्हें मना भी दिया था और इन्होंने इस्तीफा भी वापस ले लिया था और आप पार्टी अपने प्रत्येक फैसले लेने और समस्याओं को सुलझाने में उनके विचारों का भी ध्यान रखेगी, इस तरह से कोई समझौता हुआ था और ये एक हो गए थे। फिर आप देखेंगे 2014 में एल के आडवाणी को भाजपा संसदीय बोर्ड से निकालकर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया है और अभी आपको बताऊं तो मार्गदर्शन मंडल में ही डले हुए हैं, फिर चाहे आपके लाल कृष्ण आडवाणी साहब हो या मुरली मनोहर जोशी साहब हो, दोनों लोग उसी में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 2009 की बात करें तो राजनीति में इनका बुरा दौर शुरू होता है। 2009 में चुनाव हारने के बाद एल के आडवाणी साहब ने पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए रास्ता साफ किया और पार्टी में ज्यादा सक्रिय नहीं हुए और 2009 में सुषमा स्वराज भारत जापा की ओर से लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी जाती हैं और 2014 की लोकसभा के लिए नरेंद्र मोदी की सभी मुहिमों में प्रबल दावेदारी और भागीदारी रही और इस पर आडवाणी जी ने नाराज होते हुए बीजेआरपी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी पर यह पार्टी श्यामा मुखर्जी और दीनदयाल नानाजी देशमुख अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाई गई पार्टी जैसी पार्टी नहीं रही। और इसके बाद आप देखेंगे 11 जून 2013 को आडवाणी अपना इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, और इसके बाद आप देखते हैं कि ये समझौता होता है राजनाथ सिंह के द्वारा और एक फिर से वापस वो अपना इस्तीफा ले लेते हैं। आप ही सोचिए कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना इंतजार करते हैं और एकाएक आप देखेंगे आपके सामने किसी दूसरे का नाम रख दिया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में, तो मुझे लगता है कि नाराजगी होना स्वाभाविक सी है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक लंबा इंतजार किया हुआ था, लंबी पारी खेली हुई है और सफल राजनेता भी रहे हुए हैं। आडवाणी ने आप देखेंगे रथ यात्राएं भी की हुई थी और एक आपने देखा होगा लालू यादव ने रोक भी दी थी बिहार में। देश की राजनीति में सर्वाधिक यात्राएं निकालने वाले आडवाणी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं। उनके नेतृत्व में 6 बड़ी यात्राएं हुई जिन्होंने भाजपा को राजनीति में बहुत मदद की और आप देखेंगे यात्राओं के सफल होने का श्रेय एल के आडवाणी को ही जाता है। आडवाणी को रथ यात्रा का नेता भी कहा जाता है और आडवाणी जी के अनुसार यह यात्रा एक धार्मिक यात्रा होती थी जो देश के प्रति राष्ट्रीय धर्म को जगाती थी।
एक तो आप लोगों ने राम रथ यात्रा के बारे में सुना होगा, आडवाणी जी ने अपनी सबसे पहली रथ यात्रा का नाम दिया था राम रथ यात्रा, और आडवाणी जी के नेतृत्व में यह यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से 25 सितंबर 1990 से प्रारंभ हुई थी और 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंची थी। ठीक है, और इस यात्रा का मुख्य मुद्दा यही था कि राम मंदिर का निर्माण हो, और इसका आप देखिए कि बड़े लंबे समय से ये मुद्दा भी बनाया रहा है, चुनावी मुद्दा भी रहा है राम मंदिर, और अब जाके इसका निर्माण हो रहा है। और इस कोई इस यात्रा को राजनीतिक चाल समझ रहा था तो कोई इसे भारत के लिए राष्ट्र धर्म से ओतपोत जुलूस मान रहा था, और राजनीतिक चाल मानते हुए इस यात्रा को उत्तर प्रदेश बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने इसे रोका भी था, और लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी भी हुई थी, और उनका मानना था कि यह यात्रा भारत की सांप्रदायिकता को प्रभावित करती है। लेकिन इस सब बातों का भाजपा और उसकी रथ यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आडवाणी के नेतृत्व में हुई इस यात्रा से भाजपा सशक्त हुई, और 1991 के दौरान भाजपा कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी भी रही है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, देखिए इनके मैनोफेस्टो की बात कर लीजिए, चुनावी मुद्दे की बात कर लीजिए, राम मंदिर हमेशा सबसे ऊपर रहा है बीजेपी के में। ठीक है, और इसीलिए आजकल आप देखते हैं कि कहते हैं कि अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो रहा है, अब इनका कौन सा मुद्दा रहेगा। एक इन्होंने जनादेश यात्रा भी की हुई थी, भारत के चार कोनों से सितंबर 1993 में यह यात्रा शुरू हुई थी, और आडवाणी साहब जी ने मैसूर से इस यात्रा की अगुवाई की थी, और भारत के 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होती हुई यह यात्रा 25 सितंबर को भोपाल में मिली थी, और इस यात्रा का उद्देश्य भारत के नागरिकों को उसके अपने धर्म को मानने से संबंधित 2 बिलों को पारित करवाना था। और आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े मुख्य नेता है ये सभी आप देखेंगे संघ RSS से निकले हुए हैं, और आप देखेंगे RSS की विचारधारा आप सभी जानते हैं कि एक हिंदुत्ववादी है, कट्टर हिंदुत्ववादी है। एक आप देखेंगे स्वर्ण जयंती रथ यात्रा भी इन्होंने निकाली हुई थी, भारत की आजादी की 5वीं सालगिरह के अवसर पर आडवाणी ने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का आयोजन किया था, और इस यात्रा की पूरे भारत में आजादी का जश्न मनाया गया था, और इस यात्रा को आडवाणी ने मई 1997 से जुलाई 1997 तक पूरी की थी, और इस यात्रा द्वारा देश की आजादी में शहीद होने वाले महापुरुषों को सिद्धांजलि अर्पित की गई थी, और आडवाणी जी ने इस यात्रा को स्वर्ण जयंती रथ यात्रा राष्ट्रभक्ति की तीर्थ यात्रा नाम दिया था, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीय क्यों दिलों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना था। एक आप देखेंगे भारत उदय यात्रा भी इन्होंने की हुई थी, और इन्हीं यात्राओं की वजह से आप देखिए बीजेपी इतनी शक्तिशाली बनी, बीजेपी इतनी मजबूत हुई। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान देश के कई क्षेत्रों में उन्नति हुई, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, और इसी कारण आडवाणी ने बेहतर उदय यात्रा निकालते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय भारत का उदय हुआ है, और इस यात्रा द्वारा भारत की उन्नति का जश्न मनाया गया, और यह यात्रा मार्च 2004 में आडवाणी के नेतृत्व में निकाली गई थी। एक और यात्रा का नाम है भारत सुरक्षा यात्रा, मार्च 2006 में वाराणसी के हिंदू तीर्थ स्थान पर बम धमाके हुए थे, और इसके भाजपा सरकार ने केंद्र में बैठी कांग्रेस को गैर जिम्मेदार ठहराया हुआ आरोप लगाए कि कांग्रेस सरकार देश की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, और इसके विरोध में आडवाणी ने 6 अप्रैल 2006 से 10 मई 2006 तक भारत सुरक्षा यात्रा भी निकाली हुई थी, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यक पर राजनीति और प्रजातंत्र की रक्षा और महंगाई के प्रति सजग करना था। एक यात्रा और देख लीजिए, जन चेतना यात्रा भी थी, भाजपा के नेता श्री जय विकास नारायण की जन्मस्थली सिताब दायरा बिहार से शुरू हुई जन चेतना यात्रा की अगुवाई एल के आडवाणी साहब ने अक्टूबर 2011 से की थी। कांग्रेस सरकार के दौरान देश में फैल रहे भ्रष्टाचार के विरोध में यात्रा निकाली गई थी, और यह यात्रा बहुत बड़ी एवं सफल साबित हुई। इसमें दिल्ली के रामलीला मैदान पर भाजपा और एनडीए के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। आडवाणी ने यात्रा उनकी सबसे सफल यात्रा बताया था। किसने? आडवाणी साहब ने। अब इनकी किताबें देख लीजिए, एक लेखक के रूप में भी ये काफी प्रसिद्ध रहे हैं। एक इनकी लेखक एक पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है माय कंट्री माय लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी बाय लाल कृष्ण आडवाणी का विमोचन APJ अब्दुल कलाम ने 19 मार्च 2008 में किया था। लाल कृष्ण आडवाणी न्यू अप्रोच टू सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, लाल कृष्ण आडवाणी ए प्रेंसर्स स्केप बुक, ये तीनों इनकी बुक का नाम है, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं।
पुरस्कार भी मिले हुए हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं, राजनीति में सफल रहते हैं, तो पुरस्कार मिलना स्वाभाविक होता है। तो भारतीय संसद द्वारा अच्छे सांसद का पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था और 2015 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ था, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। अब आप सभी जानते हैं कि जब कोई राजनेता बनता है तो उसके उस पर आरोप विवाद उसका पीछा करते ही रहते हैं, तो इनसे भी काफी आरोप जुड़े हुए हैं। आडवाणी दिग्गज तथा दूरदर्शी नेता थे, फिर भी राजनीति में रहते हुए उन पर कई आरोप भी लगे हैं। उन पर हवाला ब्रोकर्स से रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन्हें बातचीत बरी भी कर दिया गया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उन्हें सही साबित करना बड़ी बात होती है। और कई बड़े नेताओं पर आरोप लग जाते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाता है, न्यायालय में जाता है, वहां बातचीत बरी भी हो जाते हैं। 2004 के चुनावों के बाद बीजेपी की सत्ता काफी सशक्त नजर आ रही थी और इस पर एल के आडवाणी ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में 100 से अधिक सीटें नहीं ला पाएगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। भाजपा की हार हुई और उसे लोकसभा में विपक्ष में बैठना पड़ा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उस समय बने हुए थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी दो बार आप देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2004 के बाद अटल जी ने आडवाणी को बीजेपी में सक्रिय भूमिका में आगे किया और 2009 तक आडवाणी विपक्ष के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें पार्टी का ही विरोध झेलना पड़ा। उनके करीबी माने जाने वाले पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी, मदन लाल खुराना, उमा भारती ने उनका विरोध भी शुरू कर दिया था। और एल के आडवाणी की आलोचना का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। एक बार जून 2006 में वे कराची के दौरे पर गए हुए थे, जो कि उनका जन्म स्थान है, कराची उनका जन्म स्थान था। वहां उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को एक धर्मनिरपेक्ष नेता बताया था। यह बात आरएसएस के हिंदू नेताओं के गले नहीं उतरी और आरएसएस ने इस बयान के विरोध में आडवाणी के इस्तीफे की मांग भी की थी। आडवाणी जी को विपक्ष के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। तो ये विवादों से भी इनका काफी गहरा नाता रहा है और आप देखने को मिलेगा आपको कि काफी अच्छे सक्रिय नेता भी रहे हैं राजनीति में और सफल नेता भी रहे। मुझे नहीं लगता है कि आप उन्हें असफल नेता कहेंगे। तो ये कहानी है लाल कृष्ण आडवाणी साहब की। और भी बताइएगा अगर कोई नेता बचा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। ठीक है।